नमस्कार दोस्तों, एचआर रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की भुर्जी। देखिए बेसन की भुर्जी कैसे बनती है। ये मैंने 5 चम्मच जो है, ये वाले खाने वाले 5 चम्मच जो है बेसन ले लिया है। 4 मैंने लिए हैं टमाटर, 2 मैंने बड़े बड़े प्याज ले लिए हैं, इनको छील लिया है, धो लिया है। 3 मैंने ली है हरी मिर्ची मोटी वाली, और 5-6 गुली मैंने ली है लहसुन, और थोड़ा सा मुझे चाहिए धनिया, और चाहिए मुझे नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, जीरा, थोड़ी सी चुटकी भर हींग चाहिए, और मुझे चाहिए मेथी, और मेरे को चाहिए ऑयल, और साथ में चाहिए मुझे आधा ग्लास दूध, 1 कप चाहिए मुझे पानी। ये जो मैंने बेसन लिया था इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 चम्मच नमक, थोड़ी सी डाल दूंगी 2 चुटकी हल्दी, ऐसे ही 1/4 चम्मच डाल दूंगी लाल मिर्च, और 1/4 चम्मच ही डाल दूं मैं इसमें काली मिर्च। अब मैं इसको पहले मिला लूंगी। ये मैंने मिला लिया है इसको अच्छे से। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोल लूंगी, इसको घोल लेंगे और ये पतला रखेंगे हम। हमारा पानी थोड़ा और चला जाएगा इसके अंदर, और इसको हम अच्छे से फेंट देंगे। ये अभी गाढ़ा है, इसको अब हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे इस तरीके से। अभी हम इसको थोड़ा और पतला कर लेंगे, इतना पतला होना चाहिए, ये बहुत गाढ़ा भी नहीं चाहिए हमें, इतना पतला चाहिए। देखिए बैटर मेरा बन चुका है, रेडी हो गया है, देखिए इतना पतला रखेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी ऊपर से हींग, इससे आपके पेट में कभी भी दर्द नहीं होगा और गैस नहीं बनती है। ये देखिए मैंने हींग को भी इसमें मिक्स कर दिया है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन और थोड़ा सा धनिया, सबको चॉप कर लिया है। गैस जलाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 कड़छी ऑयल, ये सरसों का ऑयल मैंने यूज किया है इसके अंदर, ये मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। अब मैं इसमें डाल दूंगी जीरा, आधा चम्मच मैं डाल दूंगी इसके अंदर जीरा, आधा चम्मच मेरा जीरा चला जाएगा, जीरा जो है ब्राउन होने वाला है अच्छे से। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चुटकी हींग, ये मेरी हींग भी इसके साथ ही हो जाएगी। अब मैं डाल दूंगी हरी मिर्च जो मैंने 3 काटी थी, साथ में डाल दूंगी लहसुन जो मैंने छोटा छोटा पीसेस काटा था, इनको मैं हल्का सा चला दूंगी। देखिए मेरा ब्राउन हो गया है। अब मैं डाल दूंगी कटा हुआ प्याज, जो मैंने 2 प्याज लिए थे उनको मैंने काट लिया है छोटा छोटा, और इसको भी मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी, लाते रहेंगे प्याज को जिससे ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। ये प्याज जो है हल्का ब्राउन हो गया है, इतना ही करेंगे हम ब्राउन। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर, जो मैंने 4 टमाटर काटे थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं, इसको भी इसमें अच्छे से चला देंगे। ये इस तरीके से हम इसको चला देंगे, और डाल देंगे नमक, हमारा आधा चम्मच जो है इसमें नमक चला जाएगा, जिससे जो थोड़ा टमाटर जल्दी पक जाते हैं नमक डालने से। बीच में ऐसे चलाते रहेंगे, ढक के पका देंगे इस तरीके से, जिससे जो टमाटर और प्याज थोड़ा सा हो जाए। अब ये मैं बीच बीच में इसको इस तरीके से चला दूंगी जिससे ये नीचे ना लग जाए तड़का मेरा, तड़का जो है हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाले, 1/4 मेरी चली जाएगी इसमें हल्दी, 1/4 ही चली जाएगी लाल मिर्च, थोड़ी सी मैं डाल दूंगी 1/4 चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला मेरा इसके अंदर चला जाएगा। ये मैं इनको मिक्स कर दूंगी, अच्छे से मिक्स हो गया है मेरा मसाला। ये जो मेरा बैटर बना हुआ था अब मैं डाल दूंगी इसमें, धीरे धीरे करके इसमें फैला दूंगी इस बैटर को इस तरीके से, ऐसे। ये मेरा बैटर अपना डाल दिया है, इसमें थोड़े से मसाले भी डाले थे
कि जिससे इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ये देखिए मैंने सारा बैटर डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ी सी देर ढक के पका दूंगी। अब हम चेक कर लेते हैं अपनी भुर्जी को। ये देखिए ये मेरी भुर्जी जो है हो गई है। इसको हम इस तरीके से हिला देंगे, भुर्जी को इस तरीके से चला देंगे। इसके अंदर आधा गिलास दूध लिया था, ये भी लूंगी, इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए मैंने दूध भी इसमें मिक्स कर दिया है। आधा गिलास लिया था दूध मैंने, अब मैं इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इससे इसका कलर जो है बहुत अच्छा आ जाता है। जहाँ हम क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं, बट मैंने जो है ना दूध डाला है आधा गिलास, हम इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। अब हम इसको पका लेंगे। अब हम अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। बीच बीच में मैंने हिलाया है और 10 मिनट मैंने इसको पका लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। ये देखिए कस्तूरी मेथी को हम ऐसे करके थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कस्तूरी मेथी का। इसको मिक्स कर देंगे इसके अंदर। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर हरा धनिया। मैंने काफ़ी सारा चॉप कर लिया था धनिया, और इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये भुर्जी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं निकाल लूँगी इसको। देखिए बिल्कुल चिपकी भी नहीं है कढ़ाई से, और बड़े अच्छा कलर इसका आया है। ये भुर्जी जो है मैंने डिश में निकाल ली है। ये देखिए देखने में भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। अब मैं उसके ऊपर सजा दूंगी, थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी हरे धनिया से। ये देखिए मैंने हरे धनिया से इसको सजा दिया है। ये मैंने ग्रीन धनिया से इसको गार्निश कर दिया है। ये भुर्जी खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। जी आप लोगों को ये मेरी भुर्जी की रेसिपी पसंद आए, आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, कमेंट ज़रूर डालिएगा। और जी आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, जिससे आपको और रेसिपी मिल सके।